सभी दोस्तों को नमस्कार। हैप्पी बर्थडे वालों की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उनके। सुबह के बज रहे हैं जी लगभग 5:30। हम पहुंच गए हैं जिम। हमारे जिम पार्टनर आज भी नहीं आए हैं, मिस्टर ऋषभ बिश्नोई। बाकी आज बैक का वर्कआउट करेंगे जी हल्का फुल्का। उससे पहले थोड़ा सा वीडियो का वो थंबनेल वगैरह रह गया जो आज वीडियो आएगी, तो सबसे पहले तो हल्का थोड़ी देर के लिए उससे बनाता हूँ इधर बैठ के। आधा काम तो खैर रोक कर दिया मैंने, आधा रह गया क्योंकि फिर दिन में किस टाइम टाइम लगे ना लगे, टेंशन फ्री रंग है इस मामले में, वीडियो के मामले में। बाकी जी करते हैं पहले इसे निपटा, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो ये अब करेंगे वर्कआउट शुरू, वीडियो कर दीजिए अपलोड। वर्कआउट कर आए हैं जिम में थोड़ा बहुत। आज वैसे बैक का हाथ थोड़ा हैवी आ, तो ज़्यादा तो ढंग से ना लग पाया। बाकी सूरज देवता की यह है सुबह की दर्शन। ट्रेन की आवाज़ आ रही है उधर से, चिड़ियों की भी आ रही है। अब चल रहे हैं जी घर की तरफ को, घर पहुंच के लाएंगे चारा। बाकी तो और कुछ काम ऐसा है नहीं, बाकी और देखते हैं घर चल के। हम आ रहे हैं जिम से, बाकी ये लड़के हैं बेचारे जो तैयारी कर रहे हैं फौज की। आई फौज मारिया है, तुमने तो यार भगवा चोला पहन रखा है। जय श्री राम, करे जाओ अपना काम बढ़िया। क्या किलोमीटर मार रहे हो भाई, क्या किलोमीटर लग रही है? 3 किलोमीटर अभी। अच्छा माननी की, अच्छा अच्छा हाँ 10 किलोमीटर एक दिन में, एक बार लंबी। अच्छा जी 3 किलोमीटर तगड़ा ही चल रहा हमारा मामला। तो पुलिस की तैयारी चल रही है या फौज सोच का सब मामला? ये दो पुलिस के हैं। अच्छा ये दोनों पुलिस वाले हैं। अच्छा ठीक, अपकमिंग वाले उसमें। अभी तो तुम्हारी भी कम होगी, हो गया। अरे बधाई हो, बधाई हो। आओ फिर चलो। तो जी यो है लड़कों का उनका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वो रेस मानी शुरू करते हैं लोंडे। ये भी बैठे ही अपना तामझाम बिछाए। क्या हो रहा है भाई, तो योगा चल रहा है? योगा योगा सही होगा, सही है भैया। अपना अपना रेस मार दी, चलो बहुत बढ़िया। भारत माता की जय हो जी, झंडा लग रहा है आप हिंदुस्तान का अपने। बाकी सूरज की तरफ को मुँह करके बैठे हैं महाराज ये, सही है यार। तुम तो अपनी आँखें तेज कर लोगे। अरे कर लो यार, ऐसी तो मैं तेज सुबह सुबह की रोशनी को देखें तो आँखें तेज हों भाई। ठीक है। बाकी देखो अग्निवीर योजना का असर इतना है, एक टाइम आज जब अग्निवीर योजना से पहले फौज की भर्ती आया कर रही कोई भी, तो यहाँ लड़के इतना ज़बरदस्त फिजिकल रखे कर रहे अपना। बहुत लड़के फौज में हैं भी भंडपुरी के, लेकिन अग्निवीर ने जो है थोड़ा सा मन तो फीका कर ही दिया खैर फौज की तरफ से युवाओं का। हर कोई जावे अपना भाई भविष्य एडजस्ट करें, नेता भी तो यही करें, अपना भविष्य देखना हो ना तो राजनीति का, युवाओं का हो ना हो कुछ भी। अग्निवीर योजना के मैं तो खैर समर्थन में नहीं हूँ। बाकी सरकार और अधिकारी जाने जी वो क्या है मसला। बाकी जिम से आने के बाद अब हमने अपना ऑक्सवैगन का ऑक्स खोल लिया है। अब चल के जरा चारा लिया मैं 2 दिन का। आज जो है चारा लाने की वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि रोज बना वही है हर बार, आज कुछ और दिखा देंगे हल्का फुल्का। चलो भाई ये हमारी गैया है, प्रोटीन का एकमात्र सहारा। तो ये चारा लिया है, चार गड्डी काट लाए। बाकी अब चलने का विचार है चौराहे तक। एक तो गैस का सिलेंडर आना है और घरेलू सामान आना है। अगर जीवन है तुम्हारा गृहस्थ तो जिंदगी तुम्हारी कभी तो मस्त और कभी त्रस्त और कभी पस्त, ऐसी चलेगी गृहस्थ जीवन में।
सभी चीज आ गई, फायदे भी है नुकसान भी सभी चीज है, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है, व्यापक विषय है इस पर तो खैर क्या ही कही जा। फिलहाल तो गृह जीवन में इसके फायदे उठाए जाए, सीखी सिखाई मिल रही है आराम से। अरे अरे ओ चल, अरे चल इधर, अरे चल चल, मुझसे पहले बाहर हो जा, चल अंदर चल चल, मम्मी सब कर दियो अंदर, वो गेट बंद कर लियो। तो ये चलते हैं, शीशा थोड़ा गंदा सा हो रहा है, मजबूर गार्ड लाए साहब ये तो। ब्लेडों का भी बैंड बज गया दिख है इसके, ढंग से साफ नहीं कर पा रहे। एक ऐसी लड़की थी मैं जी। सबसे पहले तो निपटाते हैं सिलेंडर का काम, गैस सिलेंडर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आग चुराए। बाकी ये पाइप लिया गैस का, 7-8 साल से बदला ही ना गया पाइप, गैस का पाइप भी बदलना है, रिस्क लेने से कोई लाभ नहीं है। सिलेंडर उठा लाओ जरा। तो जी लिया, रख लिया सिलेंडर तो गैस का, अब चलते हैं जरा चौराहे पे से, इस पे पकाने का सामान ओल लिया हूँ जरा गैस पे। जी पहुँच गया चौराहे पे, अभी थोड़ी सी सुविधाएं लाला जी की ओल ले लें और इन्हें सुल्क अदा कर दें उस चीज का। तो जी ले लिया सामान, तो रखो भी सही सही करके यार, तोड़ ताड़ मत दियो कोई चीज, रख दो, रह तो ना गया कुछ ना रहा। देख लियो, चलने जी अब यहाँ से भी, अभी तो गाड़ी में एसी का काम हो गया, भपका बन गया। जय हो हनुमान जी की साहब। पहले यहाँ रेख रहा गारा तोड़ देख रहे लोग, बाग गांव का पानी आ गया सड़क, अब हो गई हार सी, अब ना टूटेगी कतई भी, पक्का काम हो गया भाई। नहीं है मकान थोड़े मतलब रोड चौड़ी नहीं करी थोड़ी सी, दो जाम लगाया यहाँ, अब गन्ने का सीजन शुरू हो जाएगा और यहाँ जाम शुरू हो जाएगा। वह जी कुछ ही दिनों की बात है, लगभग लगभग ऐसे मान लो साल भर का, साल या 1.5 साल मान लो, 2 साल मान लो, उसके बाद ये हाईवे पे ट्रक का चलना बंद हो जाएगा, हैवी ट्रैफिक, क्योंकि वो जो आ गए बाईपास निकल जाए, मतलब एलिवेटेड रोड बनने अमराबाद के बार बार सर्किल रोड, तो फिर जो ये इधर चले करेंगे ट्रक व्रक, ऐसी उम्मीद है। ये ट्रक चलने का मतलब है नहीं, कायदे में रोड मोड़ बहुत हैं, पतला भी उस लिहाज से तो है ही। खैर तो जी बज रहे हैं 4, अब चल रहा है अपन हेडलर को टहलाने टलूने, बाकी चमुंडा माता जी की जय हो। पहले पीपल बहुत बड़ा हो गया है, बीच में कुछ त्रास दिया है इसे। देखो जी वो पिछले साल टूट गई ही नहर यहाँ, तो पिछले साल बनी ही वो, तो ये तो है बिल्कुल साफ, आगे को भी सीमेंट टीढ़ी है और इधर को भी सीमेंट टीढ़ी है, वो ऐसी बनी हुई, लेकिन कई साल पुरानी बनी हुई है, मेरे ख्याल से 7-8 साल या 10 साल हो गए होंगे बने हुए, और घास ने पूरा कब्जा कर लिया देखो प्रकृति ने, अगर इसकी साफ सफाई ना होगी तो कब्जा इसका भी ऐसी हो जाएगा हाल। तो प्रकृति इतनी स्ट्रोंग है कि अगर आदमी इंटरफेयर ना करे ना उसे, तो हर तरफ हरियाली रहे और बिल्कुल शुद्ध रहे क्या नाम है प्रकृति। देखो पत्थर ईंटा दिखाई भी ना देगी इसमें, यो तो खैर क्या चीज़ है, जब द्वारका नगरी ना बची
तो बाकी तो सब क्या ही कहने, द्वारका नगरी समुद्र में समा गई, प्रकृति ने कब्जे में ले लिया। आने वाले टाइम में पता ना हो सके यो भी समुद्र में डूबा हमारा क्षेत्र भी कभी, हजारों साल में, कई हजार साल में, क्योंकि वो तो परिवर्तन तो होते रहे हुए। अब तो गांव के रास्ते ऊंचे हो रहे हैं लगातार, मकान उससे ऊंचे उठा रहे हैं हम, हर बार जब भी रास्ता बनता ऊंचा बनता तो मकान बनता वो भी और ऊंचा बनता उससे रास्ते से। तो ऐसे करते करते हम गेंद कुछ जो गो वो है पृथ्वी गोल बता मैं ना, तो उसके बैलेंस बिगाड़ ही देंगे लोग, वाह मट्टी है कहीं की उठ के कहीं आ रही है। बाकी जो है जी हमारा गांव, हालांकि ड्रोन नहीं है हम पे ना, तो एक एरियल व्यू का वीडियो बनाता मैं, देखते हैं कभी भविष्य में जब लंगे तो बना के दिखाया करेंगे, अलग ही व्यू दिखाई देख रहा करेगा। बाकी जब ब्लॉग का भी समाप्ति करते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।